छ नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री छ वन स्टार्ट हमारे यहाँ हेल्थ केयर का मतलब कोई बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करने को माना जाता है सही मायने में सबसे पहले ध्यान प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी सावधानियां बरतने पर जाना चाहिए साफ पानी साफ हवा और पोषण पर ध्यान दिया जाए तो अस्पताल खोलने का खर्च बहुत हद तक कम हो जाता है एक लोकतांत्रिक देश में लोगों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होती है और वह इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती सरकारी इलाज की सबसे अच्छी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की मानी जाती है वहां अस्पताल में उपलब्ध कुल बेड में से 80 फीसदी सरकारी अस्पतालों में हैं यही नहीं सरकारी अस्पताल प्राइवेट की तुलना में बेहतर इलाज मुहैया कराते हैं ऑस्ट्रेलिया ने आईएएस की तरह हेल्थ केयर का अलग कैडर बना रखा है वहाँ अमीर व्यक्ति भी बीमार होता है तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाता है न कि प्राइवेट अस्पताल में ऐसा ही कुछ मलेशिया में है और हांगकांग में है इसके विपरीत भारत आबादी के हिसाब से अस्पतालों में बेड बढ़ाने में बुरी तरह विफल रहा आज़ादी के वक्त ऐसा नहीं था उस समय जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राइवेट अस्पतालों की पर्याप्त संख्या थी बाद में जनसंख्या तो सात गुना बढ़ गई लेकिन अस्पताल दो गुने भी नहीं बढ़े जाहिर है कि प्राइवेट अस्पतालों को मौका मिल गया और उन्होंने अपने लिए मैदान तैयार कर लिया सरकार भी खुश थी कि हम नहीं कर पाए तो प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सालाना खर्च छब्बीस हजार रुपये आता है यानी जिसके पास छब्बीस हजार रुपये नहीं है और सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं है उसका इलाज नहीं हो सकता इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बनी और निजी अस्पतालों में गरीबों के इलाज की सुविधा दी गई लेकिन इसमें एक परिवार के लिए तीस हजार रुपये का ही प्रावधान था जो नाकाफी था सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी राशि में कुछ नहीं हो सकता इसलिए वह योजना नाकाम हो गई अब आयुष्मान भारत योजना आई है जिसमें पाँच लाख रुपए तक के इलाज खर्च का प्रावधान है मेरी राय में सरकार को तीन लाख रुपए का प्रावधान करना चाहिए था देश की चालीस प्रतिशत आबादी आयुष्मान भारत के दायरे में आ रही है दस से बीस फीसद आबादी दूसरी मुफ्त हेल्थ केयर स्कीम के तहत आ रही है इस तरह करीब 60 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में होगी चूँकि करीब 40 फीसदी जनसंख्या अपना उपचार कराने में सक्षम है इसलिए अगर यह योजना सफल हुई तो यूनिवर्सल कवर का लक्ष्य पूरा हो जाएगा किसी भी देश में इतने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है स्टॉप